हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब? पानी पिया? आज हम एक मूवी के टीजर के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि इट्स गोइंग टू बी अ हॉट टेक ऑफ माइन। मुझे मार्टिन मूवी का टीजर पसंद नहीं आया, क्योंकि भाई वो वाइल्डली रिडिकुलस था। अब ये बात समझो कि मेरे रिडिकुलस कहने का मतलब क्या है। मुझे कोई बेहुदा, बुरा या बेकार नहीं लगा, नहीं। आई वाज स्टिल एंजॉयिंग इट, लेकिन इन अ कॉमिकल वे, जैसा ये टीजर संदर्भ देना चाहता था उस सेंस में मैंने इसे एंजॉय नहीं किया। तीन चार दिन पहले मैं इस मूवी के बारे में जानता भी नहीं था, एंड आई मीन अपने डायरेक्टर एक्टर के बारे में भी नहीं जानता था, लेकिन जो कि हमारे दिल में सदन सिनेमा के लिए एक स्पेशल सी इज्जत है कि भाई साउथ की कोई भी पिक्चर आई है, उसका टीजर कुछ भी है, तो अपन रिएक्शन तो जरूर करेंगे, अगर मैंने ना देखा हो उसे तो। एंड उसी रिस्पेक्ट के नाते हमारा ध्यान इस पे गया, एंड ओ माय गॉड, देयर आर टू फेसेस ऑफ कन्नड़ा सिनेमा, जो केजीएफ और चार्ली जैसी मूवीज बनाता है और एक तरफ मार्टिन जैसी मूवीज बनाता है। अब खैर, इसके इतने विचित्र होने के चलते मैंने इसके ऊपर और पता लगाया, एंड पता चला कि मार्टिन मूवी एक पल्स पाउंडिंग एज ऑफ द सीट एक्शन थ्रिलर है। भाई साहब, इसका सिनॉप्सिस बहुत जोरदार लिखा है जिसने भी। आगे लिखा हुआ है कि अपना भाई एक्शन हीरो एक ऐसी ड्रामेटिक जर्नी पे गुजरता है जहां उसे भारत को नष्ट करने वाली छिपी हुई ताकतों को भाई उससे लड़ना है, एंड उसके लिए उसे किसी भी लंबाई और चौड़ाई से गुजरना पड़े तो वो चला जाएगा। जी हाँ यार, मेरे को भी ऐसे YouTube टाइटल्स के आइडियाज लेने पड़ेंगे। खैर, लेंथ एंड ब्रेथ सुनने के बाद आई एम टोटली इंटरेस्टेड, मगर एक बीस्ट की कहानी में एक ब्यूटी भी तो होनी चाहिए। सो अपने हीरो पड़ जाते हैं एक लड़की के प्यार में। अब खैर, ये मर्द तो प्यार में बेवकूफ होते ही हैं, और नया क्या है इसमें? नया पता चलता है कि उसकी जर्नी, उसकी सेल्फ डिस्कवरी, फाइंडिंग लव, फाइटिंग फॉर हिज मदरलैंड, एंड इन सारे सवालों के इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे वो इन किले की तीनों दरवाजों को अकेले डिफेंड करेगा। पिक्चर छोड़ो, जिस किसी ने भी ये सिनॉप्सिस लिखा है, चाहे ही हो या शी, मैं भाई उसकी भाई सैलरी बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। प्रोटेक्ट दैट मैन और वुमन एट ऑल कॉस्ट। मैं इसके सिनॉप्सिस से इंप्रेस हो गया। खैर, अपने आगे मुश्किल सवालों के ऊपर बात कर लेते हैं कि हमें पागलपन पसंद है, एंड यही रीजन है कि कलेक्टिवली सदन सिनेमा अपनी इस क्वालिटी को अपनी इंडियन आइडेंटिटी के साथ जोड़ के दिखाने में बेस्ट काम करता है। कि भाई अब जब भी कोई भी सदन मूवी देखते हैं तो भाई फील होता है कि हाँ, ये इंडियन मूवी है, क्योंकि सबसे अपनी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते हैं। मार्टिन मूवी का ये टीजर अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए काम नहीं कर पाया, जहां बाकी लोगों को चाहे जो भी ओपिनियंस हो, कि चाहे आप अपने फेवरेट एक्टर की वजह से देखने जा रहे हो या फिर कम्युनिटी बायस है आपका उसकी वजह से उसे पसंद कर रहे हो, दैट्स टोटली वैलिड। मैं भी कभी कभी अपने एक्टर्स की हिस्ट्री की वजह से उनपे मूवीज पे थोड़ा सा लीनियंट हो जाता हूँ, या फिर अगर कोई हीरोइन बहुत ही ज्यादा पसंद है तो छुपके मैं भी चला जाता हूँ देखने के लिए, खुश रहने के लिए, चाहे जो भी करना पड़े सब चलता है। लेकिन जिस तरीके से मैंने इस टीजर को देखा, इट फील्स लाइक कि दे आर ट्राइंग टू हार्ड फॉर दिस। क्योंकि अगर हाल फिलहाल में कोई टिपिकल सदन मूवी का लेटेस्ट एग्जांपल तुम देखना चाहते हो तो इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं मिलेगा। जो कि मैं मानता हूं किसी एक टीजर ट्रेलर से पूरी मूवी को जज करना कोई अच्छी बात नहीं होती है, परंतु एक टीजर ट्रेलर का पर्पस यही होता है कि लोगों को बताना कि मूवी कैसे होने वाली है, एंड जिस पे आप खुद से उस पे अंदाजा लगाइए कि मूवी क्या व्याख्या करना चाहती है, एंड देन अपना पिक्चर के ऊपर आकलन कीजिए। अब जहां ऐसा भी कहा जा रहा है कि इट्स गोइंग टू बी अ फुल ऑन एक्शन सागा, इट विल बी अ मैडनेस, एंड भाई पागलपन तो दिख ही रहा है, कितना स्पेशियसली वेल ऑर्गेनाइज्ड, भाई इतना स्टेज पाकिस्तान की जेल कैसे हो सकती है। एंड भाई जो ट्रेलर का मनी शॉट था, जहां दो बॉडी बिल्डर्स आते हैं और एक तो अपने फ्लाइंग जेट वाले विलन भी है, आई मीन यार, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रेलर। भाई आई नो कि मैं किसी गलत सेंस में एंजॉय कर रहा था, लेकिन कर जरूर रहा था, क्योंकि अब समझ में आया कि भाई वहां की इकोनॉमी इतनी डाउन क्यों जा रही है। जब जेल में ऐसे दो मुस्टंडे पहलवान होंगे तो सारा प्रोटीन यहीं चला जाएगा। खैर, गंदे जोक्स अपार्ट, लेकिन दैट्स द रिडिक्युलस पार्ट, एंड अगर रिडिक्युलसनेस के हिसाब से अगर मुझसे पूछोगे तो वो पार्ट मुझे बहुत पसंद आया। एंड आई थिंक मूवी के लिए सबसे बुरी चीज ही यही थी कि ये मूवी भाई मजाक नहीं करना चाहती, इट्स सीरियस और बैड एज होना चाहती है, मगर ये फनी लग रहा है। एंड यस, सीजीआई बहुत ही नोटिसेबल है, लेकिन अपन यहाँ पे थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं, इसे साइडलाइन कर देते हैं, क्योंकि बहुत रेयरली ही इंडियन मूवी सीजीआई को परफेक्ट कर पाती हैं। बट फिर भी इसके डायलॉग्स और एग्जीक्यूशन जो भी था, लाइक व्हाट द फक डूड, हाउ एम आई सपोज्ड टू टेक दिस सीरियस। खैर, मैं कोई नाराज नहीं हूँ, खुश भी नहीं हूँ, क्योंकि भाई कोई उम्मीद भी नहीं थी, बट आई एम फीलिंग सैड फॉर दोज मंथ्स हु आर स्टिल डिफेंडिंग दिस। लेकिन इफ यू आर स्टिल बिलीविंग इन वट एवर द होप यू हैव, तुमसे मैं वो उम्मीद नहीं छीनना चाहता। एज फैंस भी एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन होना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो कहीं हमारा इस्तेमाल तो नहीं ना कर रहे हैं। जो कि एक रिडिकुलस पिक्चर तो गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग भी थी, हद्दा पागलपन, एक छिपकली और बंदर को देखने के लिए मैं पैसे दे रहा हूं। और स्टेक्स क्या है? स्टेक्स गांड मराने गए भाई, अपन लड़ाई देखना चाहते हैं, एंड वहां पे स्टिल वी आर एंजॉयिंग दैट। उसके बाद भाई कोकेन बियर आ जाती है, जो कि भाई एक भालू है, कोकेन मार के सबको मार रहा है, दैट्स रिडिकुलसनेस, पागलपन है वो, मगर फिर भी अपन देख रहे हैं ना, क्योंकि उसी के साथ अपने अंदर एक सेंस ऑफ एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस और अप्रूवल है कि भाई हम क्या देख रहे हैं, हमें पता है कि हम क्या देख रहे हैं। खैर, इन्हीं सारी बातों के साथ साथ हमें तो ये पसंद नहीं आया, दे आर ट्राइंग इट टू मच, एंड मुझे वो साफ दिख रहा है। एंड यस,
साथ ही साथ मैं ये भी चाहूंगा कि पिक्चर मुझे गलत साबित करे, सारी चीजों से ऊपर उठकर मजा दे, किसी का भी टाइम वेस्ट ना करे। लेकिन अभी भी टीजर देख के तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि ट्रेलर भी कुछ खास कर पाएगा। एंड खैर उसके ऊपर भी अगर तुम्हें अभी भी भरोसा है देन बच्चा दैट्स गुड फॉर यू, हम किसी भी पिक्चर के लिए लड़ते थोड़ी ना है। खैर तुम अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट जरूर बताना। खैर मुझे पता तो है कि गालियां पड़ने वाली है मगर ब्रिंग इट ऑन, एंगेजमेंट आता है यार उससे। खैर अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट जरूर बताना। एंड इन्हीं सारी बातों के साथ साथ अगर तुम्हें पता नहीं है कि हेरा फेरी 3 का प्रोमो शूट हो गया है तो मैंने उसके ऊपर बात भी की है, मेरी सॉली वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।